इस देश से तानाशाही को खत्म करने का, संविधान को बचाने का। पीएमएलए जैसे मामले में उनकी इंटरिम बेल 40 दिन में होना मुझे लगता है कि कुछ चमत्कार से बड़ा ही कुछ है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर यह आई है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आएंगे और लोकसभा चुनाव में प्रचार करेंगे। अरविंद केजरीवाल के वकील ने बताया कि 2 जून तक के लिए जमानत दी गई है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार कर सकते हैं, चुनाव प्रचार में कोई भी बयान दे सकते हैं। कोर्ट ने किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई है, ऐसा दावा किया अरविंद केजरीवाल के वकील ने। केजरीवाल का जमानत पर बाहर आना इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी इसे लेकर बयान जारी किया और कहा कि बीजेपी के दुष्प्रचार को जवाब है, बदले की राजनीति का जवाब है अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना, और इससे इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। लोकसभा चुनाव में प्रचार से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने वंचित किया था। आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस देश से मोहब्बत करने वाले, संविधान से मोहब्बत करने वाले, लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले के दिलों में एक उम्मीद की किरण जगाई है। हम पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से, देश के संविधान प्रेमियों की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस तानाशाही के अंधकार युग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल दे करके एक उजाले की रोशनी जलाई है। आज पूरी दिल्ली ही नहीं, पूरा देश, पूरे दिल्ली के लोगों से, देश के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो इस देश के अंदर हम सबने मिलकर के लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, वोट की ताकत से इस देश से तानाशाही को खत्म करने का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का जो अभियान चलाया है अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से, ये और मजबूत होगा। पीएमएलए जैसे मामले में जिसमें केंद्र की पूरी सरकार, उनकी पूरी आर्टिलरी, पूरी मशीनरी एक मुख्यमंत्री को जेल में रखना चाह रही थी, और ऐसे मामलों में जहां पे महीनों महीनों बिना सबूतों के लोगों को जेल में रखा गया, उनकी इंटरिम बेल 40 दिन में होना मुझे लगता है कि कुछ चमत्कार से बड़ा ही कुछ है। और ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मेरा मानना है ऊपर वाले का एक इशारा है, ऊपर ईश्वर का इशारा है कि जो भारत में चल रहा है उसमें बदलाव आना जरूरी है। वहीं केजरीवाल की जमानत पर कटाक्ष करते हुए ध्रुव राठी ने कहा कि हवाओं का रुख अब बदल गया है, अब तूफान आने जा रहा है। निश्चित तौर पर दिल्ली लोकसभा चुनाव में केजरीवाल को जमानत मिलना अब एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। पहले जब केजरीवाल जेल गए तो वो भी एक फैक्टर बना, जनता में एक सवाल उठा कि एक व्यक्ति के बयान पर एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, बल्कि जो कानूनी कार्रवाई है वो अरविंद केजरीवाल को बाहर रख के भी की जा सकती थी। तो जिस तरह अरविंद केजरीवाल जेल गए उसके बाद आम आदमी पार्टी ने जेल का जवाब वोट अभियान चलाया और एक सहानुभूति लेने की कोशिश की, और दिल्ली चुनाव में इसका असर भी दिखाई दे रहा था। और अब जब केजरीवाल जमानत पर बाहर आएंगे तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, समर्थकों के लिए एक हीरो वाली एंट्री होगी दिल्ली के चुनाव में। अब जनता के बीच जब खुद केजरीवाल जाएंगे और ये आरोप लगाएंगे कि ईडी और मोदी सरकार ने किस तरह बदले की राजनीति उनके साथ की, जेल में उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए केजरीवाल का बाहर आना एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है, और दिल्ली की खासकर 7 सीटों पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। तो इंडिया गठबंधन के लिए ओवरऑल ये बहुत बड़ी खबर है, इसलिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डांस कर रहे हैं कि उनके सबसे बड़े नेता अब जेल से बाहर आएंगे और लोकसभा चुनाव में प्रचार करेंगे। आप अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने को लेकर क्या सोचते हैं, और लोकसभा चुनाव में खासकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के बाहर आने पर क्या असर पड़ सकता है, कमेंट बॉक्स पर राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।